देखिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। आज जो हम डाटा सीरीज में हम आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। हमने नेक्स्ट क्लास में डाटा सोर्स के बारे में सीख लिया था कि फ्रॉम एक्स से डाटा कैसे लाएंगे, वेब से डाटा कैसे लाएंगे, फ्रॉम टेक्स से डाटा कैसे लाएंगे। लेकिन सर आप डाटा लेके तो आ रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी आप डाटा लेके आओ ना तो आप सारा डाटा मत लेके आओ, आप थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं मयंक का बोलूँ तो मयंक का डाटा लेके आओ, मैं सिटी कानपुर बोलूँ तो कानपुर का डाटा लेके आओ, मैं किसी रेंज की बात करूँ तो उस रेंज का डाटा है। सारा डाटा मेरे को नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा थोड़ा डाटा चाहिए। तो हम कैसे ला सकते हैं थोड़ा थोड़ा डाटा, तो उसके लिए हमें SQL क्वेरी सीखनी पड़ेगी। उसके लिए अपनी एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट का नाम है टच ऑन द नेट। इस नेट पे जाओगे तो उसके बाद आपको SQL की सारी क्वेरी लिखी मिल जाएंगी कि अगर आप ये क्वेरी लगाओगे तो उसका ये मतलब होता है। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, यूनिक कॉल क्या करता है, जॉइन, ये बहुत सारी है, मैं इसमें खुद ही कराऊंगा क्योंकि इसमें सारी मुझे भी नहीं आती है। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरे पास डाटा गिना चुना है जो मुझे चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ, मैं आया सोर्स के अंदर या फिर फ्रॉम एक्सेस के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर गया, उस डाटा को सिलेक्ट करा, इंटर मारा, फिर कोर्स के अंदर, नॉर्मल एक्सेल के अंदर, डाटा के अंदर, यहाँ से ऑल फाइल एंड देन एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया। सर इसमें क्या अंतर आ, ये तो वही आ गया, ओके करा और डाटा मुझे सारा दिख गया। इसमें चेंज क्या हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आपको डाटा लाना है और वो भी फिल्टर करके, तो उसके लिए आप यहाँ पर नहीं जाएंगे, उसके लिए आप आएंगे डाटा के अंदर, यहाँ से मिलेगा फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, यहाँ से मिलेगी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो आपसे कहेगा कहाँ फाइल पड़ी है, तो आपको सबसे पहले फाइल ढूंढनी, तो कहाँ जाएंगे आप लोग, फिर अपनी लोकेशन, फिर एप ड्राइव, फिर एक्सेल कोर्स, फिर नॉर्मल कोर्स, फिर डाटा, और यहाँ पर दिख रही है फाइल, क्या कर दो, फाइल शो हो रही है, नहीं हो रही सर शो, एक्सेल फाइल पे क्लिक नहीं करा था मैंने, इस पे क्लिक कर रखा था न्यू डाटा पे, एक्सेल पे जाऊंगा, फिर इस पे, फिर एफ ड्राइव, फिर एक्सेल कोर्स, फिर नॉर्मल, फिर डाटा, मुझे देखो गलती कर रहा था मैं, मुझे इस पे जाना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, देन इस पे ही डबल क्लिक करना है, किस पे करना है, उसी पे डबल क्लिक करना, फिर यहाँ से लोकेशन तो कौन सी है आपकी, एंड्राइव, फिर कॉल्स, फिर नॉर्मल, फिर डाटा, डाटा के अंदर कौन सी फाइल है, एक्सेल कोर्स फाइल, इसको क्लिक करो, ओके करो, ओके, ये ना ऑलरेडी खुली हुई है फाइल, ये खुली हुई है, मैं इसको पहले यहाँ से बंद करके दोबारा कर देता हूँ, पहले ये पॉपअप हटाता हूँ, ये पॉपअप, इस फाइल को सेव कर देता हूँ, क्विट करता हूँ, दोबारा एक्सेल की फाइल को ओपन करता हूँ और कोई भी फाइल नहीं लेता, ओपन हुई, देन मैं डाटा के अंदर गया, तो उसके अंदर SQL क्वेरी, देन इस पर डबल क्लिक करा, फिर यहाँ से ड्राइव की ले ली मैंने एप ड्राइव, फिर एप ड्राइव के अंदर कौन सी थी, कोर्स, कोर्स के अंदर नॉर्मल, नॉर्मल के अंदर डाटा, डाटा के अंदर एक्सेल, ठीक है, दिस ज़्यादा, ओके आ गया। अब यहाँ शीट शो हो रही है मेरी, नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, ऑप्शन पे, और यहाँ से कर दूंगा सिस्टम टेबल, और जैसे ही ओके करूँगा मेरी शीट शो हो जाए। आगे शीट मैं चाहता हूँ इसमें, एक तो मुझे नेम चाहिए, नेम की जगह सैलरी चाहिए, फिर ओवर टाइम चाहिए और डिपार्टमेंट,
बस इस पे क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट पे। कह रहा कोई कंडीशन है यहाँ पर नेम की, कोई कंडीशन लगा के चलना है? मैंने कहा नहीं कोई कंडीशन नहीं। नेक्स्ट, और कोई? नेक्स्ट आ गया रिटर्न डाटा टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। जैसे मैं इसको फिनिश करूंगा और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे पास देखो फिल्टर होकर डाटा आ गया। डाटा मेरा पड़ा था उसी शीट पे, लेकिन जो डाटा मेरे पास आया वो क्या है, फिल्टर होके आ गया कि मुझे ये डाटा चाहिए था। अब इसमें बहुत सारी चीजें, मैं चाहता हूं कि मेरे पास डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट का नाम मैं लिखूं उस डिपार्टमेंट की लिस्ट यहां पर खुल के आ जाए, ये उस डिपार्टमेंट का सारा डाटा मेरे सामने विजुअल हो जाए। मैं शीट को बंद करता हूं, एक नई शीट ओपन करता हूं, तो शीट को मैं क्लोज कर देता हूं, इससे पहले जो शीट मेरे पास थी इसको बंद कर देता हूं। बंद हो गई। दोबारा मुझे डाटा लाना है, मैं कहां जाऊंगा, डाटा, फिर इस पे, देन ओके करूंगा, एक्सेल, फिर नेविगेट करूंगा, एफ, फिर एक्सेल कोर्स, ये आ गया, देन हाँ कहीं से भी उठ के ले आओ, लिस्ट फाइल ऑफ टाइप आ रहा है वहां पे, एक्सेल फाइल हो रहा है, हाँ वहां पे ओल कर दो ना, यहाँ पे चेंज होगा सर, जैसे भी एक्सेल ही जा रहा है अब ओल का भी ऑप्शन होगा। आगे नोट पैड की फाइल ली, ठीक है, हमें चाहिए फिलहाल कौन सी, और इसको क्या कर दो, ओके कर दो, ओके हो गया, मैंने इस पर क्लिक करा, हो गया, और इसको मैंने यहाँ से मुझे सारा डाटा चाहिए, मैंने सिलेक्ट करा इस पर वन, या फिर मैं किस पर क्लिक कर दूँ, आगे सारा डाटा उठ के मैंने बोला नेक्स्ट, मैंने बोला नाम में मुझे चाहिए, डिपार्टमेंट में चाहिए कौन सा डिपार्टमेंट, इक्वल टू फाइनेंस, नेक्स्ट करा, ओके करा, ओके करा, एंड देन ओके, आगे फाइनेंस का, मैं चाहता हूँ, नहीं सर फाइनेंस का तो आ तो गया समझ में आ रहा है, मुझे डाटा अपनी मर्जी का चाहिए कि मैं जो यहाँ पर लिखूँ मुझे उसका डिपार्टमेंट मिल जाए, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ डिपार्टमेंट, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि जो भी मैं एल वन पे लिखूँ उस डाटा आ जाए, तो आप फिल्टर डाटा पे आओ, इसके कनेक्शन पे जाओ, कनेक्शन पे प्रॉपर्टीज पे आओ और डेफिनेशन पे, यहाँ से आपको नीचे की जो भी डाटा क्वेरी लगी हुई है क्या लगा हुआ है, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस, मैं इसको हटा के ना पैरामीटर दे दूंगा, क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा, क्वेश्चन मार्क से क्या करेगा, जब भी डाटा को रिप्रेजेंट करेगा तो मुझसे पूछेगा क्या चाहिए, मैं यहाँ पर ओके करूंगा, आगे पैरामीटर, कहाँ से पैरामीटर, तो मैंने बोला कौन सा मेरा एल वन, तो मैं यहां जाता हूं, अब यहां तो एल वन कर देता हूं, इसको डाक से लिंक कर देता हूं एल वन, एल वन आ गया, देन ओके करा, रिफ्रेश ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, देन प्रॉपर्टीज में जाता हूं, यहीं यहां पर आता हूं जहां डाटा है, यही कुछ मिला मुझे डिपार्टमेंट खाली था, मैं क्या डाल दूं, मेरे पास एक सेल डिपार्टमेंट है आ गया, एक मेरे पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट था, आगे डाटा, मतलब देखो डाटा फिल्टर होके आ रहा है, किससे आया, ये एसक्यूएल क्वेरी लगी हुई है यहाँ पर कि अगर वो बंदा एल वन पे जो भी टाइप करे उस डाटा को क्या कर दो, आपको रिफ्रेश करो, उस डाटा को रिफ्रेश करो, मैंने खाली क्या लिखा वेयर की क्वेरी यूज करिए और उसका क्या डाल दिया है क्वेश्चन मार्क, क्या डाल दिया क्वेश्चन मार्क, कि जब भी वो डाटा को लिखे तो आप उसको पहले क्या करो फिल्टर करो और डाटा को फिर उसके सामने रिप्रेजेंट करो, तो आप इस तरीके से अपनी क्वेरी लगा के अपने काम को वो ज्यादा इजी कर सकते हैं, समझ में आ गया इसको ऑप्शन का यूज, अब यहाँ पर वो कुछ भी टाइप करेगा तो उसको डाटा ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, जैसे उसने बोल दिया आर एंड डी डिपार्टमेंट, जैसे इंटर मारेगा तो जो भी आर एंड डी का डिपार्टमेंट होगा वो आ जाएगा, केस सेंसिटिव नहीं चलता है इसमें कि आप छोटों की जो लिखा वैसे ही लिखे, नहीं आप छोटे लेटर में लिखे, जैसे मैंने सेल लिख दिया छोटे डिपार्टमेंट में और जैसे ही इंटर मारा उसका खुल जाएगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
कैसे करा, मैं कनेक्शन पे गया और प्रॉपर्टीज पे, फिर देन यहाँ पर क्या डाल दिया खाली क्वेश्चन मार्क। अगर मैं यहाँ पर सेल लिख दूं किसका डाटा दिखेगा मुझे खाली सेल्स का डाटा दिखेगा, जैसे यहाँ ओके करूं ओके क्लोज आ गया सेल ही दिख रहा है। अभी डाटा कभी रिफ्रेश करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप सेल की जगह आरएनटी लिख दो या आरएनटी की जगह सेल लिख दो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब इसका लिंक ब्रेक हो गया। दोबारा लिंक लगाना कहाँ जाना पड़ेगा आपको, कनेक्शन में, फिर प्रॉपर्टीज में, देन क्या लगा दो क्वेश्चन मार्क ओके क्लोज एंड देन आपका गो सेव। प्रॉब्लम्स में ये होता है डिफाइन तो मतलब कनेक्शन किससे लिंक है डाटा आपका, किससे लिंक है डाटा क्या क्या करना चाहता हूँ बताओ, दूसरी शीट से लिंक करने के लिए कनेक्शन यूज करते हैं बस, फिल्टर लगाना है डाटा को सीक्वेंस वाइज लाना है अल्फाबेटिकली लाना है तो भी ला सकते हो। अब इसमें मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं, मैं आपको दो क्वेरीज बताया था, एक डिस्टिंक्ट क्वेरीज बताया था और एक आपको दूसरी एक यूनियन ऑल की क्वेरी बताया था। मेरे पास यहाँ पर डाटा बड़ा है, तीन शीट में बड़ा है, एक शीट वन में बड़ा है, एक ये कस्टमर आईडी है, ये प्रोडक्ट है, ये सेल आईडी। मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे यहाँ पर कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, कस्टमर सिटी चाहिए, कस्टमर प्रोडक्ट नेम चाहिए जो उसने मुझसे खरीदा है, सेल क्वांटिटी, प्रोडक्ट एमआरपी और टोटल चाहिए। मुझे तीनों डाटा यहाँ से क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ मुझे कस्टमर का नाम उठ के यहाँ से आ जाए, फिर उसका प्रोडक्ट जो भी उसने मुझसे खरीदा है वो और सेल आईडी। कस्टमर का नाम तो मुझे यहाँ पर गिवन है, प्रोडक्ट आईडी में मेरे पास ये है, जैसे वन की आईडी क्या है डीवीडी है, इसकी क्या है सीडी है, इसका रैम। मैं सेल आईडी पे गया तो मुझे उसने बताया कि जो सेल आपने पहली बेची कितनी आईडी को बेची है, कस्टमर आईडी 8, मतलब 8 पे कौन है हमारा आसिफ को बेची है, फिर प्रोडक्ट क्वांटिटी प्रोडक्ट आईडी 4, क्या बेचा उसको क्या बेची है पेन ड्राइव, कितनी क्वांटिटी बेची है 70, ऐसी सेल टू किसको बेचा है कस्टमर नंबर 4 पे कौन है हमारा आ गया, देन क्या बेचा है इसको कोड नंबर 5, तो क्या बेचा 5 पे माउस, कितनी क्वांटिटी 70। मुझे एक ऐसी रिक्वायरमेंट चाहिए कि जिससे मुझे यहाँ पर डाटा मिल जाए, क्या मिल जाए मुझे डाटा मिल जाए कि उससे क्या क्या फ्रीडम से लिए, तो कैसे करेंगे इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर वहीं जाएंगे सोर्स के अंदर आएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर एक्सेल, फिर एफ ड्राइव, फिर एक्सेल कोर्स, फिर ये करूँ एक्सेल कोर्स पे क्लिक करना है, फिर नॉर्मल, फिर डाटा, फिर ये वाली है इसको डबल क्लिक करूँ शीट आ गई सारी। पहली शीट के नाम क्या है, क्या है नीचे आया कहीं है कस्टमर आईडी, ये इसमें मुझे क्या चाहिए आईडी चाहिए, तो मैं क्या ले लूंगा कस्टमर आईडी, फिर क्या चाहिए मुझे कस्टमर नेम, फिर क्या चाहिए कस्टमर सिटी, फिर क्या चाहिए किसमें इस पे क्लिक करा यहां से हटा, क्या चाहिए मुझे आगे, फिर नीचे आया यहाँ चाहिए क्लिक करा, फिर सेल क्वांटिटी कहाँ जाऊँ सेल पैर क्या चाहिए क्वांटिटी, इसका किस पे क्लिक कर दूँ इस पे आ गया, फिर एमआरपी प्रोडक्ट की, तो एमआरपी कहाँ थी प्रोडक्ट के अंदर है ये एमआरपी, इस पे क्लिक, फिर टोटल
टोटल हम लोग अभी बाद में निकालेंगे, और इसको क्या कर देंगे नेक्स्ट। ओके जैसे ही करूंगा तो मेरे पास एक शीट खुल के आ गई, शीट खुल के आ गई। उसने कहा कि इसका लिंक बनाओ, किसका क्या क्या लिंक है। तो यहाँ पर देखो अब मुझे इस पर लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। बाहर तो कुछ मत करो, फाइल पे आओ, यहाँ पर लिखा होता है रिटर्न डाटा टू, इस पर क्लिक करो, ओके करो। आ गया उठ के, बस कैसे दोबारा देख लो, इसको हटाना चाहते हो यहां से हटा दो। कैसे करा था, डाटा के अंदर जाओ, फिर देखिए इसमें गलत आ गया सारा, गलत क्वांटिटी अभिलाषित ने ली नहीं है, तो यहाँ गलत दिखा रहा है। अभिलाषित थोड़ी सी क्वांटिटी ली है 40, तो एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है इसके अंदर। क्वांटिटी हमने ली थी सेल आईडी वाली शीट से, सेल आईडी शीट से ले ली थी। मैं शीट डिलीट कर लेता हूँ और दोबारा लाता हूँ, जाता दोबारा सोर्स के अंदर, क्वेरी, देन एक्सेल, एप ड्राइव, फिर नॉर्मल डाटा, डाटा में एक्सटर्नल, इसमें क्या चाहिए था कस्टमर। मैं इसी को ना दिस दिस जो कस्टमर आईडी है वो सेल आईडी के बराबर होगी, यहां समझो ये अविनाश जो यहां पर कह रहा हूं कस्टमर आईडी 4 है, ये क्या इस नाम के बराबर नहीं हो सकता, होगा ना। ये कस्टमर सेल 4 या सेल कस्टमर नंबर 9, ये कस्टमर 9 क्या इस 9 के बराबर होगा, बिल्कुल है। कस्टमर आईडी नेम और ये नेम हमारे लिए बराबर ही तो है। अब 9 को आप चाहे 9 बोल दो या क्या बोल दो, ये बोल दो इधर आओ, या 1 या ये बोल दो, बात एक ही है। नीचे आओ, चाहे अब 4 क्या बोल दो, बात एक ही है ना। तो मैंने यहां लिंक क्रिएट कर दिया, मैंने बोला कि जो कस्टमर आईडी है ना वो किस आईडी के बराबर है, सेल की शीट की कस्टमर आईडी के बराबर। प्रोडक्ट आईडी किस शीट के बराबर है, प्रोडक्ट आईडी के बराबर। लिंक बन गया इसका, हो गई लिंकिंग। आ चल समझ आया, दोबारा बता दो, यहां देखो ध्यान से, कस्टमर है, इनका एक नंबर दे दिया। अभिलाष को हम एक नाम से जानते हैं, मोहित को 2 नंबर से जानते हैं, कुणाल को 3 नंबर से। ऐसे हमने प्रोडक्ट के नाम दे दिए, डीवीडी मतलब 1, सीडी मतलब 2, रैम मतलब 3, पेन ड्राइव नंबर 4। अब मैंने यहां जब सेल करी ना तो मैंने उनके नाम नहीं लिए, मैंने बोला कस्टमर 8, कस्टमर 8 पे जो भी नाम था उसको माल बेचा है, कस्टमर नंबर 4 ये उसको माल बेचा है, क्या प्रोडक्ट बेचा है, कस्टमर प्रोडक्ट नंबर आईडी 4। आईडी मतलब क्या, हमने ये वाली चीज बेची है, ठीक है। अब हमें लिंक बनाना है कि मैं चाहता हूं कि इस कस्टमर आईडी किससे लिंक हो जाए, कस्टमर शीट की इस नाम से लिंक हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस आईडी को उठा के सेल की आईडी पे लिख दिया, मैंने बोला कि जो कस्टमर आईडी है ना वो किसके बराबर है, सेल आईडी के बराबर है। क्या बराबर है, जो कस्टमर आईडी है वो किसके बराबर है, सेल आईडी के बराबर।
ऐसी जो सेल की शीट के अंदर, जो इस शीट के अंदर ये कोडेक नेम है वो किस नियम से बराबर है? इसके नेम से बराबर है। किसके बराबर है? इस आईडी के बराबर। मतलब कोडेक आईडी 4 और सेल के बीच की कोडेक आईडी 4, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, एक ही है। ठीक है बिलास। देन उसके बाद मैंने इस शीट को उठाया और मैंने बोल दिया किससे लिंक है? मैंने बोला ये इससे लिंक है, लिंक हो गया। फिर मैंने इसको उठाया किससे लिंक कर दिया? इससे। अभी दोनों लिंक हो गए, लिंक हो गए ना। आगे डाटा, उठ गया डाटा। उसके बाद क्या कर दो? फाइल, फिर रिटर्न डाटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एंड कहां से लाना है? मैंने बोला इस शीट पे लाना है और यहां पर। जैसे ही मैं ओके करूंगा उस शीट पे देखो डाटा आ गया, आ गया। आईडी नंबर 8 आशी, सेल आईडी कितनी? 10। क्वांटिटी कितनी मिची है? 13-20। अभिलाष, सेल आईडी 30, यहां पर 112 नंबर पे, क्या है? सही है। यहाँ पर एक आना चाहिए था अभिलाष, क्या मिल रहा है यहाँ पर? अभिलाष कहाँ गया नीचे? 112 आगे लिंक हो गया डाटा। अब देखो मुझे मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, मुझे भी लुकअप नहीं लगाना पड़ा कि आईडी की नेम से नेम उठाओ, सेल आईडी, मुझे डाटा मिल गया। अगर आप इसकी एक्सेल क्वेरी पढ़ोगे या देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए, आपको समझ नहीं आएगा कि इन्होंने क्या करा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। बट सिंपल याद रखना कि अगर डाटा को लिंक करना है तो इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। देखो तीन शीट का डाटा एक शीट पे लिंक होके आ गया, और उस डाटा पे जैसे ही चेंज कुछ होगा, यहाँ पर अगर मैं इस प्रोडक्ट आईडी को कितना कर दूं? 111 कर दूं, ठीक है, और सेल आईडी पे जहां 1 लिखा है प्रोडक्ट पे उसको कितना कर दूं? मैंने यहाँ फिल्टर लगाया, मैंने बोला कंट्रोल एफ, मैंने बोला जहां 1 है उसको कितना कर दो और रिप्लेस, हो गया ओके और यहां गया और राइट क्लिक आ गया। जहां वन होगा प्रोडक्ट आईडी में क्या शो हो जाएगा? हमने प्रोडक्ट आईडी तो ली नहीं है ना, हमने क्या लिया है? प्रोडक्ट नेम लिया है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। हम यहाँ चेंज कर सकते थे, कस्टमर पे गए, यहाँ पर उसके आगे लिख देते कुमार आ गया, यहाँ गए कहां पर? राइट क्लिक हो गया। आप यहां भी लगा दो, कर दो राइट क्लिक, रिफ्रेश, ऑटोमेटिक डाटा क्या हो जाएगा? रिफ्रेश। वेयर की क्वेरी समझ में आ गई? क्या लगाना होता है? खाली आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, वो आ जाता है। एक हमारे पास आता है डिस्टिंक्ट, ये अच्छी है, ये देख लो आप। अब मुझे ना क्या करना है, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे सारी क्वांटिटी का सम निकालना है। क्या निकालना है? सारी क्वांटिटी का सम निकालना है। हम लोग क्या लगाते हैं? वी लुकअप फार्मूला लगाते हैं, और समिफ आपने देखा होगा, क्या लगाते हैं? समिफ लगाते हैं। उसके बाद रेंज होती है हमारे पास, हमें क्या करना है? हमने बोला इस शीट पे जाना है डाटा पे, क्या चीज? इस पूरी रेंज में क्या चीज को ढूंढना है आपको? इसको ढूंढना है, कितनी सम रेंज, क्या सम करना है, किसको सम करना है? तो हमें बता देता है कि पुणे में कितनी क्वांटिटी सेल आउट हुई है, न्यू दिल्ली में कितनी हुई है, कानपुर में कितनी हुई है, पटना में कितनी हुई है, नोएडा में कितनी हुई है, रायपुर में कितनी हुई है, जयपुर में कितनी हुई है, ये सब निकल गया। हाँ समय भूल गए, देखो देखो समय आ गया। देन आती है रेंज, रेंज कहां से इस डाटा को ढूंढना है? मैंने बोला शीट टू डाटा शीट पे जाओ, कहां से? सीधी शीट में से। देन पूछता है क्राइटेरिया, मैंने बोला डिस्टिंक्ट शीट के अंदर इस नेम को ढूंढना है कि पुणे कितनी बार है। देन फिर कोमा लगाया, सम रेंज, क्या सम करना है? तो मैंने बोला डाटा टू में किसको सम करना है? क्वांटिटी, और क्या कर दो आ गया। देन मैं नीचे आया कंट्रोल टी से,
आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है, कल को अगर यहाँ पर कोई नाम चेंज हो गया, पटने की जगह किसी ने बिहार कर दिया, तो यहाँ चेंज हो गई, मतलब यहाँ पर बिहार का मतलब बन के नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि अगर वो सिटी चेंज करे या सिटी का नाम चेंज हो, तो यहाँ पर एक कॉलम ऑटोमेटिक भर जाए और उसका टोटल भी आ जाए, कैसे करेंगे सर? तो एक्सेल क्वेरी में हमारे पास होती है डिस्टिंक्ट क्वेरी। क्या होती है? डिस्टिंक्ट होती है, आप वो लगा दो तो हो जाएगा। कैसे हम स्टार्ट करें? मुझे यहाँ चाहिए सर, मैं यहाँ पर जाता हूँ, कहाँ पर? सबसे पहले फ्रॉम डाटा सोर्स के अंदर, फिर माइक्रोसॉफ्ट, देन कौन सा एक्सेल, फिर एफ, फिर डाटा एक्सेल, फिर नॉर्मल, फिर डाटा एंड एक्सेल, ओके आ गया। अब यहां रुकेंगे 2 मिनट, हमें कौन सी शीट का डाटा उठाना है? शीट नंबर 2 का, इस पर क्लिक करा और ओके आ गया। एस आई डी, नेम, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मैंने इसको बैक करा, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली चाहिए क्या? सिटी। क्या चाहिए? सिटी, ओके ओके ओके। देन मैं कहा जाऊंगा व्यू डाटा और एड क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। इस पर जैसे ही फिनिश करूंगा मेरे पास एक शीट खुल के आएगी, शीट आ गई, इसमें दिल्ली कानपुर सब आ गया। लेकिन सर मुझे इसमें रिपीटेड नहीं चाहिए, जैसे जयपुर यहां भी है और जयपुर यहां भी है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो आप किस पे जाओ? एसक्यूएल पे आओ, जिसके आगे क्वेरी लगी सब हटा दो, यहां से सब हट गया, बस लगाओ सिलेक्ट और क्या लगा दो स्टार, और इस क्वेरी का नाम लिख दो यहां पर। क्या क्वेरी का नाम था? डिस्टिंक। इसको कॉपी करो कंट्रोल सी से और नेम वहां पेस्ट करो एंड देन ओके कर दो। कुछ मिसिंग जाता है, मैंने लिखा यहां पर सिलेक्ट फ्रॉम डाटा, डाटा का नाम क्या था शीट का? शीट 2, ठीक है, एंड देन कंट्रोल वी दिस थिंग, नहीं ऐसे लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक फ्रॉम डाटा 2 एंड देन ओके। आगे फिर फाइल रिटर्न, कहां पर? इस पे ओके। अभी देखो गलती हो, आप नेक्स्ट क्लास में देख लेना सारा टॉपिक, इसके एक बार मैं प्रैक्टिस भी कर लूंगा, जितना ज्यादा मैंने इसका यूज नहीं करा तो ज्यादा है नहीं, एक बार फिर भी देख लेता हूँ। फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट देखो, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक शीट है जिस शीट का नाम है डाटा 2। क्या नाम है शीट का? डाटा 2 करके नाम। मेरे ओनर ने मुझसे कहा कि आप जब भी कोई काम करते हो ना तो यहां पर उस सिटी का टोटल निकल के आ जाए। क्या निकल के आ जाए? क्वांटिटी सम चाहिए उनको। क्या चाहिए उनको? क्वांटिटी का सम चाहिए। तो हम लोग सम कैसे निकालते हैं किसी क्वांटिटी का? इक्वल लिखते हैं, सम इफ लगाते हैं, रेंज में क्या चाहिए? रेंज। कौन सी शीट का डाटा है? क्या कौन सी क्या चीज है? सिटी।
क्राइटेरिया मतलब क्या चीज ढूंढनी है डाटा में, तो मैंने बोला इस शीट पे जो यहां नाम लिखा है उसको ढूंढो, कोमा सम रेंज, किसका सम करना है, डाटा टू में क्वांटिटी का, तो सम मुझे मिल जाता है, मिल गया, मैंने कंट्रोल डी से नीचे ड्रैग करा तो मुझे मिल जाएगा टोटल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ सिटी चेंज हो गई, यहाँ दिल्ली की जगह किसी ने पुणे की जगह कोलकाता कर दिया, ठीक है, इसको रायपुर कर दिया, इसको आगरा कर दिया, तो क्या शीट पे चेंज आएगा, आएगा चेंज, क्यों, मुझे यहाँ मैनुअली लिखना पड़ेगा आगरा तब आएगा, मुझे यहाँ पर कोलकाता मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, क्या होगा, तभी मुझे मिलेगा, मिलेगा, मैं चाहता हूँ नहीं सर अपने आप आ जाए, तो मैं उसके लिए क्या लगाऊंगा, एसक्यूएल क्वेरी लगाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, इस पे देन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी देन एक्सेल फिर शीट, डाटा पड़ा कहाँ है, हार्ड ड्राइव में, किसके अंदर, एक्सेल कोर्स के अंदर, किसके अंदर, नॉर्मल एक्सेल के अंदर, किसके अंदर, डाटा के अंदर, क्या शीट का नाम है, खुली कौन शीट है, देन ओके आ गया, क्या शीट चाहिए, शीट का नाम क्या है, डाटा टू, कौन सी शीट लेंगे मैं इसमें, शीट टू, क्या चाहिए मुझे इसमें, सिटी चाहिए, क्या क्लिक कर दूंगा इस पे, फिर नेक्स्ट 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 फिर व्यू देन फिनिश आ गई। लेकिन सर मुझे ना इसमें सिटी रिपीटेड हो रही है, मुझे रिपीटेड नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, इसके लिए कोई लिखा एसक्यूएल लिखा है, इस पर क्लिक करो और उस क्वेरी को कंट्रोल की जगह क्या कर लो आप, पेस्ट करो, पेस्ट हो गई, देन ओके करो, जैसे ही आप उस क्वेरी को पेस्ट करोगे यहां से आपकी यूनिक आ गए सारे आ गए, फिर कहां जाओ, फाइल के अंदर आओ, फिर रिटर्न डाटा टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कहां पर, यहां पर आ गया। अब इसका एक बेनिफिट है, मैं गया इसके अंदर, मैं यहां कर दूं एक और यूपी, यहां पर राइट क्लिक और रिफ्रेश, आगे यूपी, मैं यहां गया, एक और चेंज कर दूं दिल्ली, फिर हो गया चेंज, वो अपने आप ऐड करता रहेगा, ये इसका बेनिफिट। उसके बाद आप सब निकाल लो, जब मर्जी सब निकाल लो, जैसे मैंने यहां बताया इसी फार्मूले को कॉपी कर लो, कॉपी करो और कॉपी और यहां कंट्रोल भी कर दो, हो गया भी, और फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दो, हो गया। अब यहां पर बस सीट का नाम चेंज करते जाओ, वहां पर अपने आप ही रिजल्ट मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो आ गया, एंटर, राइट क्लिक, रिफ्रेश आ गया, यहां से ला सकते हैं, लाने के लिए इसको ऑटोमेटिक रिफ्रेश के लिए करना है तो कहां जाएंगे आप लोग, डाटा में, कनेक्शन में, प्रॉपर्टीज में, फिर रिफ्रेश डाटा एवरी सेकंड क्या दे, तो आप इस तरीके से अपनी शीट को डाटा को लिंक कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक दे ही दिया है कि आपको कहां से सीखनी है, इसमें कर लीजिए, बाकी जो मेन मेन बचेंगे वो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको।